हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे उड़द दाल के पापड़। तो ये पापड़ जो है वो बाहर जो हमारे पापड़ जो मिलते हैं उसे कई गुना ज़्यादा हमारे पापड़ घर में अच्छे बनते हैं। तो मैंने उड़द दाल का आटा लिया है 2 कप, और ये 250 ग्राम आटा है पूरा। तो ये 2 कप आटा हमारा हो चुका है, और इसमें से मैंने थोड़ा सा आटा साइड में निकाल लिया है ताकि हमें पापड़ बेलते समय इसके ऊपर लगाने के लिए चाहिए। तो कुछ मसाले मैंने लिए हैं वो हम देख लेते हैं। और ये मैंने काली मिर्च ली है, दरदरी, ये कुटी हुई काली मिर्च है। तो जो मोटी मोटी जो काली मिर्च होती है उसे ही लीजिए, इसका पाउडर मत लीजिए, इससे आपके पापड़ जो है वो काले दिखेंगे। तो दरदरी जो मोटी मोटी जो काली मिर्च होती है उसी का इस्तेमाल करना है। और मैंने ये पापड़ खा लिया है 1/2 टेबल स्पून, तो ये इस नाप से मैंने 1/2 टेबल स्पून पापड़ खा लिया है। और मैंने ये जीरा लिया है, नमक, और 1/2 टीस्पून मैंने ये हींग लिया है। तो हींग जो है वो अच्छे क्वालिटी का लीजिए। और ये बेकिंग सोडा तो 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने ये बेकिंग सोडा लिया है। और अभी हमें आटा लगाने के लिए पानी तैयार करना है, तो मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें अभी हम 1/2 कप पानी डालेंगे। तो इसमें अभी इस पानी को हमें गर्म करके लेना है। तो पानी को मैंने गर्म करके ले लिया है, और इस पानी में अभी हम आधे मसाले डाल देते हैं। तो स्वादानुसार नमक डालेंगे, हींग डालेंगे, बेकिंग सोडा, और ये पापड़ खार। और इस पानी में अभी ये मसाले जो है हम मिला के इसको हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडे पानी में ही हम आटा लगाएंगे, गर्म पानी से आप आटा मत लगाइए। तो इस पानी को पूरा ठंडा कर लेते हैं। और 250 ग्राम आटे के लिए आधा कप पानी हमारे बस हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा पानी लग जाए तो आप सिंपल जो वाटर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आटा थोड़ा सा मैंने ये निकाल लिया है, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और जो हमने जो जीरा और काली मिर्च ली है उसको हम इस आटे में मिला लेंगे। और अगर आपको सिर्फ काली मिर्च के पापड़ अच्छे लगते हैं तो उससे भी आप पापड़ बना सकते हैं, जीरा मत डालिए। तो मैंने जीरा भी इसमें डाला है और काली मिर्च भी डाली है, इससे आपके पापड़ जो है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और दरदरी काली मिर्च ही इस्तेमाल करनी है, इसका पाउडर मत इस्तेमाल कीजिए। तो काली मिर्च और जीरा मैंने इस आटे में मिला लिया है। और जो हमने पानी तैयार करके रखा था वो भी हमारा पानी ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस आटे को लगा लेते हैं। और आटा जो होता है पापड़ का वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, सख्त होता है। तो हम रोटी के लिए और या पूरी के लिए आटा जैसे लगाते हैं उस तरह से आटे को मत लगाइए, इसको बहुत ज़्यादा टाइट या सख्त बनाइए। तो ये बाद में हम जो इस आटे को कूटने वाले हैं या इसको खींच के हम थोड़ा सॉफ्ट करने वाले हैं। तो अभी इसका मैं डो बना लेती हूँ। और अगर आपको पानी ज़्यादा लग जाए तो आप अपना सादा जो पानी होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आटा गूंदते समय इसको सख्त ही गूंदना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सख्त गूंदा है।
और ये आटा बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है इसके ऊपर लगाने के लिए। तो अभी इस ऑयल को हम लगा के इसको 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए ढककर। और इस पापड़ जो होते हैं ये आप साल भर के लिए भी बना कर रख के आप खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। तो अभी इसे हम ढककर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो अभी 1 घंटे के लिए मैंने इसे रखा था, तो इसे अभी हम थोड़ा सा कूट लेंगे। तो इसको कूटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से आपके पापड़ जो है वो अच्छे बनते हैं। इसको हमें कूटना है, उसके बाद हमें इस आटे को हाथ में लेके इसको हमें खींचना है। तो ये प्रोसेस जो होती है दो आपको करनी ही होती है, क्योंकि ये उड़द दाल के पापड़ होते हैं तो ये इसी तरह से बनाए जाते हैं। अगर सिलवट्टा पट्टा हो तो उसके ऊपर भी आप इस आटे को कूट सकते हैं। तो मैंने इसको 5-6 मिनट अच्छे से कूटने के बाद अभी इसे मैंने दो हिस्सों में इसे करके इस तरह से खींच के इस आटे को सॉफ्ट कर लिया है। और इसे खींचते समय ये थोड़ा सा स्टिकी होता है तो ये हाथों में चिपक जाता है, तो ऑयल लगा लीजिए और इस तरह से दोनों हाथों में लेके इस तरह से आपको खींचना है। तो ये प्रोसेस भी करना आपको ज़रूरी है, इसी से आपके पापड़ जो है वो अच्छे बनते हैं। और आप देखेंगे हम जैसे जैसे इस आटे को खींचते हैं उसी तरह से ये आटा सॉफ्ट हो जाता है और सफ़ेद भी हो जाता है। तो इसीलिए हम आटा जो गूंथते समय हम सख्त आटा गूंथते हैं, इसको ये प्रोसेस करने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला आटा और ये वाला आटा, इसमें थोड़ा सा कितना फ़र्क है। तो ये थोड़ा सफ़ेद हो चुका है और वो थोड़ा पीला है अभी तक। तो 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से आपको आटा खींचना है। तो इसको बनाते समय थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, पर ये खाने में बहुत ही अच्छे बनते हैं ये पापड़। तो इस तरह से मैं दूसरा जो गोला है उसी तरह से मैं ये खींच के इसको भी इसी से सॉफ्ट कर लूँगी। तो गोले हम जब बनाते हैं उसी समय भी थोड़ा सा इसका खींच के फिर से थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए। और ये खींचने का जो आटा खींचने का जो प्रोसेस होता है उससे आटा जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो उससे आपके पापड़ जो है वो सफ़ेद दिखते हैं। तो अभी हम छुरी से इसको काट लेते हैं और छुरी में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि ये चिपके ना। और काटते समय भी एक जैसे ही इसको काटना है, एक जैसे गोले इसके बनाएंगे तो ही आपके पापड़ एक जैसे आएंगे, या तो फिर बड़े या छोटे हो जाएंगे। तो काटते समय ही इसको आप एक जैसा ही काट लीजिए तो एक जैसे आपके पापड़ बन जाएंगे। अब इन गोलों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको एक बाउल में रख देते हैं ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रख दीजिए। तो सारे गोले जो है मैंने तैयार कर लिए हैं और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है। और एक गोला हम निकाल लेते हैं पापड़ बेलने के लिए। तो एक एक गोला आप निकाल के इसको इस तरह से ढक कर रख दीजिए ताकि आपका आटा सूख ना जाए।
और इसमें अभी हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हम इस पापड़ को बेल लेते हैं। इसको ऑयल लगा के मत बेलिए, क्योंकि ऑयल लगाने से फिर आपके पापड़ जो है वो, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बनाते हो तो ये फिर ऑयल का इसमें थोड़ा सा स्मेल आता है, तो उससे आपके पापड़ जो है वो ख़राब हो जाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हम इस तरह से पापड़ को बेल लेंगे, और पतला सा पापड़ बेलना है, जो किनारे जो होते हैं वो भी पतले से होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा भी आटा मत लगाइए, बस ज़रूरत के हिसाब से इसको थोड़ा सा आटा लगा के इस तरह से पतला पतला इसको बेल लीजिए। तो ये मैंने जो बेलन जो लिया है, इसी से हम रोटी बनाते हैं। और पापड़ जो बेलने का जो बेलन होता है वो थोड़ा अलग सा होता है, इसमें थोड़ा सा लाइन होता है, तो उससे भी आपको मैं पापड़ बेल के दिखाऊंगी। तो उस बेलन से भी पापड़ हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और फटाफट बनते हैं। तो एक पापड़ जो है मैंने बना लिया है, और आप देख सकते हैं मेरा हाथ दिख रहा है इसमें से उंगलियाँ, तो इतना पतला पापड़ हमें बेलना है। और मैंने ये मीडियम साइज़ का पापड़ बना लिया है, तो आपको जितना बड़ा या छोटा पापड़ चाहिए उस तरह से आप बेल सकते हैं। तो ये बेलन आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ी लाइन है, तो ये पापड़ बनाने के लिए ही ये बेलन को बनाया है, तो ये पापड़ बेलने का ही बेलन है। तो इससे जो उड़द दाल के जो पापड़ होते हैं तो उसका आटा सख्त होता है, तो ये जो बेलन होता है इससे आपके जो पापड़ है वो फटाफट बेले जाते हैं। बस थोड़ी सी इसके ऊपर लाइन आ जाती है, तो एक साइड से, पर पापड़ जो है वो बेलने के लिए बहुत आसानी से इसको हम बेल सकते हैं इस बेलन से। और फटाफट बेलते हैं ये पापड़। तो उस बेलन से थोड़ा सा टाइम लगता है, पर इस बेलन से फटाफट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना फटाफट तैयार हो चुका है ये पापड़। तो थोड़ी सी ऊपर इस पे लाइन आ जाती है बस, तो अभी ये भी पापड़ हमारा रेडी हो चुका है। और जहाँ जहाँ आपको मोटा दिखे या किनारे इसके मोटे दिखे, वहाँ पे इसको पतला करके ले लीजिए। तो मैंने दो पापड़ बना के तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसे पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख देते हैं। तो इसे 2 घंटे के लिए आप पंखे के नीचे रख दीजिए, और फिर इसे एक साथ इसको एक के ऊपर एक रख के इसको रख दीजिए। 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए, तो इसको फैला के मत रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पापड़ को नहीं सुखाया जाता है, क्योंकि ये पापड़ अगर बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, ये पूरे नहीं निकलेंगे। तो मैंने 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखने के बाद इसको मैंने एक साथ इसके एक के ऊपर एक पापड़ को रख दिया था, और फिर उसको मैंने 1 घंटे के लिए धूप दिखाई है। तो अभी ये पापड़ हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये पापड़ हमारे पूरे हैं, टुकड़े नहीं हुए हैं। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं रखा जाता है, और ना ही पंखे के नीचे बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तो अभी ये पापड़ हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं आपको इसको तल के भी दिखाती हूँ। और 1 घंटे के लिए धूप दिखाने के बाद फिर आपके पापड़ साल भर के लिए आप खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। तो एक पापड़ मैंने अभी डीप फ्राई कर लिया है, तो देखिए ये अच्छे से फूल भी गया है, और कितना अच्छा सफ़ेद पापड़ हमारा हो चुका है। और ये दिखने में जितना अच्छा है वो उतना ही खाने में भी बहुत ही अच्छा पापड़ है। तो मैं आपको एक भून के भी दिखाती हूँ कि भूनने के बाद भी हमारा पापड़ कैसे बनता है। तो देखिए ये भी पापड़ हमारा अच्छा बना है, अच्छा भूनता है ये भी पापड़। अगर डीप फ्राई आपको नहीं खाना है तो इस तरह से आप भून के भी इस पापड़ को खा सकते हैं।
तो इस पापड़ की रेसिपी को आप बनाइए, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइए, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोनों तरह के हमारे पापड़ रेडी हो चुके हैं। ये हमने डीप फ्राई कर लिया था तो ये बहुत ज़्यादा फूल चुका है, बड़ा हो चुका है। अच्छे से कुरकुरे पापड़ बनते हैं, और ये हमने भून लिया था। तो इस पापड़ की रेसिपी को आप ज़रूर बना के देखिए, आपको पसंद आएगी।